क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मौजूद नाज़रीन, आप तमाम का HT News चैनल में इस्तकबाल है। नाज़रीन, हर रोज हैदराबाद कस्टम्स ऑफिशियल्स के जरिए चेकिंग के दौरान ना जाने कितने ही लाखों करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसाफरीन बड़ी ही चालाकी से ऐसी अनोखी जगह पर सोना छुपा कर लाते हैं जिसकी जानिब एक आम इंसान की सोच भी पहुंच नहीं सकती, लेकिन कस्टम्स ऑफिशियल्स के आगे तमाम की चालाकी फीकी पड़ जाती है और गैर मुल्की सोने को किसी न किसी तरह से कस्टम्स ऑफिशियल जब्त कर ही लेते हैं। इसी तरह शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी सोना जब्त किया गया। कस्टम्स ऑफिशियल्स ने 3 खवातीन पैसेंजर्स के पास से भारी मकदार में गैर मुल्की सोने को जब्त कर लिया। ये तीनों मुसाफरीन दुबई से हैदराबाद आई हुई थी। इन तीनों के कब्जे से तकरीबन 1481.10 ग्राम गैर कानूनी सोने को जब्त कर लिया। हुकाम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की कीमत तकरीबन 72,80,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम्स ऑफिशियल्स ने मुश्तबा तीनों खवातीन की जांच की, जब वो सोना खुश करके अपने अंडरवियर में छुपाकर बड़ी ही चालाकी से लाए थे, लेकिन कस्टम्स हुकाम ने इनकी चालाकी को फीकी कर दिया। सोना कब्जे में लेने वाले कस्टम्स हुकाम ने मुलजिमान की मजीद तफ्तीश भी कर रहे हैं। तीनों खवातीन में से एक खवातीन के कब्जे से 991 ग्राम सोना, दूसरी खातून के कब्जे से 168.5 ग्राम गैर मुल्की सोना और तीसरी खातून के कब्जे से 321.60 ग्राम गैर मुल्की सोने को जब्त कर लिया। कस्टम्स ऑफिशियल्स ने मजमूई तौर पर तीनों खवातीन पैसेंजर्स के पास से 1481.10 ग्राम गैर मुल्की सोने को जब्त कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पेश है HT News चैनल के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।